गुड मॉर्निंग एंड मोस्ट वेलकम इन अविनाश ट्यूटोरियल। आज के क्लासेस में हम लोग क्लास नाइन्थ चैप्टर सिक्स लाइंस एंड एंगल्स, इस चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट है, इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज है, उस प्रॉपर्टीज को समझेंगे। और लाइंस एंड एंगल में जो सिलेबस है, वो सिलेबस एक्चुअली ये यहाँ पर गिवन है, बट हम लोग वन बाय वन इस सिलेबस के अकॉर्डिंग जो टर्म्स है, उस टर्म्स के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला टर्म्स है हमारे लिए एक्सप्लेनेशंस के लिए, टू एडजेसेंट एंगल आर सेट टू फॉर्म अ लिनियर पेयर ऑफ एंगल्स इफ देयर नॉन कॉमन आर्म्स आर टू अपोजिट रेज। सपोज करते हैं कि एक लाइन हमने यू ड्रॉ कर दिया और एक लाइन यू ड्रॉ कर दिया, तो इस तरह से ये दो एंगल मिल रहे हैं और ये दो एंगल जो है वो रेगुलर में है, बीच में एक लाइन, इसके बाद ये दोनों एंगल रेगुलर में है, तो इस तरह के एंगल्स को एडजेसेंट एंगल कहते हैं, जो बिल्कुल एक दूसरे के साथ में अटैच है और उसके बीच में वन लाइन का डिफरेंस है। तो इस एंगल को हम लोग एडजेसेंट एंगल कहते हैं। पॉइंट नंबर टू में है, इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन then sum of adjacent angles so form is 180 degree। अगर आपने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया है और इस स्ट्रेट लाइन पे कोई भी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, तो इस तरह से कुछ स्ट्रेट लाइन पे टू एंगल्स फॉर्म होता है और इन दोनों एंगल का जो सम होगा वो आपका 180 डिग्री होगा। नेक्स्ट, द सम ऑफ ऑल द एंगल्स फॉर्म ऑन अ सेम साइड of a line at a given point on the line is 180 degree। Sum of all angles, मतलब सपोज कीजिए कि एक हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिया है और इस पर हमने 1, 2 लाइन ड्रॉ कर लिए हैं, सो इस लाइन के जो इस साइड में जितने भी एंगल होंगे, उन सारे एंगलों को अगर हम ऐड कर लें तो उन सभी एंगलों का जो सम होगा वो 180 डिग्री के बराबर होगा। ऑन द सेम वे अगर ये स्ट्रेट लाइन है और इसमें डाउनवर्ड डायरेक्शन में सेम वन पॉइंट से हमने बहुत सारे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिए और इससे यहाँ पर डिफरेंट एंगल फॉर्म हो गए, और इन सारे एंगलों को अगर हम ऐड कर दें एक स्ट्रेट लाइन के दूसरे साइड में, तो उनका भी सम आपका 180 के बराबर ही होगा। नेक्स्ट पॉइंट, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस, देखिए अगर दो लाइन आपस में पैरेलल है तो इसका मतलब पहले हम समझते हैं कि दो लाइन पैरेलल है तो पैरेलल क्यों है। अगर दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस जो होगा वो स्टार्टिंग और लास्ट बिल्कुल सेम होता है, तो इस कंडीशन में हम लाइन को पैरेलल कहते हैं। और अगर टू लाइन्स को एक थर्ड लाइन अगर इंटरसेक्ट करता है, तो इस तरह के लाइन को हम लोग ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं, अदरवाइज ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कहते हैं। सो If a transversal intersect two parallel lines, then angle form। तो पहला जो होगा form करेगा वो pair of corresponding angles equal or angles are equal। तो इस तरह से पहला एक corresponding angle बनेगा, जो हम अभी थोड़ी देर के बाद graph में भी आपको show करेंगे कि corresponding angle कहाँ पर बन रहा है। तो इस तरह से pair of corresponding angle बनेंगे, वो angle आपस में equal होंगे। अल्टरनेटिंग इंटीरियर एंगल जो होगा वो भी आपका इक्वल होगा, और पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल्स आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब होता है कि जब दो एंगल का सम 180 के बराबर हो जाता है, तो उस टाइप के एंगल को, पेयर ऑफ एंगल को हम लोग सप्लीमेंट्री कहते हैं। तो अगर ये दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही है और ये ट्रांसवर्सल लाइन आपस में कट कर रही है, तो इस तरह से इंटरनल जो दो एंगल बनेगा, इनका सम जो होगा वो आपका 180 के बराबर होगा, इसे ही हम लोग इंटीरियर एंगल कहते हैं। नेक्स्ट, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस इन सच अ मैनर दैट फर्स्ट है एंगल ऑफ अ पेयर ऑफ क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, एंगल ऑफ पेयर ऑफ अल्टरनेटिंग इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, और थर्ड है एंगल ऑफ पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री।
देन लाइन्स आर पैरेलल। सपोज करते हैं कि अगर दो लाइन को हमने ड्रॉ किया और एक ट्रांसवर्सल लाइन ड्रॉ कर लिया, अब हमें आइडेंटिफाई करना है कि क्या ये दोनों लाइन पैरेलल है। तो इसमें से तीनों में से कोई एक भी कंडीशन अगर आपके पास आ जाता है तो इस कंडीशन में आप कह सकते हैं कि वो जो टू लाइंस है जिसको ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है वो पैरेलल है। पहला कंडीशन है कि पेयर ऑफ क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, अगर क्रॉसपॉन्डिंग एंगल का पेयर इक्वल हो जाता है तो वो लाइन आपस से पैरेलल है। सेकंड, इंटीरियर अल्टरनेटिंग एंगल अगर आपका इक्वल है तो इसका मतलब दोनों लाइन पैरेलल है। और थर्ड है कि आपका पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल का जो सम है, वन साइडेड सम है, अगर वो 180 डिग्री दैट मीन्स सप्लीमेंट्री है, तो उस केस में भी आप कह सकते हैं कि दोनों लाइन आपस में पैरेलल है। नेक्स्ट पॉइंट है, इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, देन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। अगर दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करता है तो इस तरह से जो वर्टिकल अपोजिट एंगल्स है वो आपस में इक्वल होते हैं। लाइन्स विच आर पैरेलल टू अ गिवन लाइन्स आर पैरेलल, अगर सपोज कीजिए कि टू लाइन्स पैरेलल है और दोनों में से किसी एक लाइन के पैरेलल अगर लाइन ड्रॉ कर दिया है तो थर्ड लाइन भी जो होगी वो दोनों के पैरेलल हो जाएगी। सम ऑफ द थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल 180, एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम आपका 180 डिग्री होता है। If a side of a triangle is produced, the exterior angle so form is equal to the sum of two interior angle. Suppose एक triangle हमारा form है, एक triangle हमारा form है, इस triangle में एक side को हमने extend कर दिया, तो इस तरह से triangle की outside में एक angle बन जाता है, और ये angle को हम लोग कहते हैं exterior angle, और ये exterior angle जो होगा वो वर्टिकल अपोजिट जो टू एंगल्स होंगे उनके सम के बराबर होगा। अब इसमें कुछ बेसिक टर्म्स हम इसका यूज करेंगे जिसका डेफिनेशन को भी हमें समझना है। रिकॉल दैट पॉइंट्स इन एन एग्जैक्ट लोकेशंस, वी डिनोट द पॉइंट बाय अ कैपिटल लेटर, किसी भी पॉइंट को अगर हम लाइन्स एंड एंगल में शो कर रहे हैं तो सारे पॉइंट्स जो कैपिटल लेटर में होंगे। एंड स्ट्रेट पाथ बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट ए बी, और ए बी के बीच में अगर कोई दो पॉइंट है ए और बी, इनके बीच के लाइन को शो करना है तो वो होगा लाइन सेगमेंट ए बी होगा। एंड इस लाइन सेगमेंट ए बी को शो करने के लिए ए बी बार रूप में शो कर सकते हैं। इसका मतलब हुआ कि वो जो लाइन है पॉइंट ए और पॉइंट बी, इनके बीच का जो लाइन है उस लाइन को हम शो कर रहे हैं। It has a definite length. इसका एक fix एक length होता है। The line segment AB bar, when extended indefinitely in one direction, is called a ray. अगर A और B point है तो इसका मतलब इसके बीच का जो distance है वो fix है। लेकिन अगर हम एक ऐसा straight line draw कर रहे हैं जिसका कि एक side हमें form मालूम ही नहीं कि कहाँ तक है, इनफाइनाइट डायरेक्शन से हमने उसको ड्रॉ कर रखा है, तो उसे हम लोग कहते हैं रे। उस कंडीशन में उस लाइन को हम लोग कहते हैं रे। और उस कंडीशन में जब हम ए बी लिखेंगे तो ऊपर ए बी के टॉप पे जो लाइन बनेगा वो एक एरो मार्क होगा, लाइक दिस, ये एरो मार्क होगा। ए बी एरो मार्क जो होगा हैज वन इन पॉइंट ए, जिसका एक इन पॉइंट ए होगा लेकिन बी पॉइंट बी के डायरेक्शन में है, लेकिन उस डायरेक्शन में इसका आखिरी लेंथ नहीं मालूम है, वो एक्सटेंड होता जा रहा है। तो इस तरह के लाइन सेगमेंट को ए बी स्ट्रेट रे से शो करते हैं, मतलब एक लाइन लिखा और रे ऐसा बना दिया। अ लाइन सेगमेंट ए बी रे व्हेन एक्सटेंडेड, और लाइन सेगमेंट जब ए बी रे को हम लोग एक्सटेंड करते हैं तो इस केस में जो आइडेंटिफाई इन बोथ डायरेक्शन इज कॉल्ड लाइन ए बी। अगर एक लाइन है पॉइंट ए और पॉइंट डी बी दिया हुआ है, और इस कंडीशन में हम बी के भी डायरेक्शन में इनफिनाइट लेंथ जा रहे हैं, ए के डायरेक्शन में भी इनफिनाइट लेंथ जा रहे हैं, तो उस कंडीशन में ए बी को हम लोग बोथ साइड एरो मार्क से शो करते हैं।
इट हैज़ नो डिफिनिट लेंथ, और इनका डिफिनिट लेंथ नहीं होता, फिक्स लेंथ नहीं होता है. इट इज़ लेबल बाय अ स्मॉल लेटर एल एम एन पी क्यू लाइक दिस. अब इनके अंदर जो लेंथ होता है, छोटे छोटे जो लेंथ होते हैं, उस लेंथ को हम एल एम एन ओ पी डॉट 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 इस तरह के लेटर्स का यूज़ कर सकते हैं. इफ थ्री और मोर पॉइंट्स लाइज ऑन द सेम लाइन दे आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स, अदरवाइज दे आर कॉल्ड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स. अगर हमसे पूछा जाता है कि व्हाट इज कोलिनियर पॉइंट्स, तो एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ले और इस स्ट्रेट लाइन पे जितने पॉइंट को हम शो कर सकते हैं और ये सारे पॉइंट्स जो होंगे वो एक दूसरे के कोलिनियर होंगे, क्योंकि वो एक लाइन में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक लाइन को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं. लेकिन अगर एक लाइन के अलावा कहीं इधर उधर आपने किसी पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर रखा है और अब आपसे पूछते हैं कि सारे पॉइंट्स के बीच में आपस में रिलेशन क्या है, तो वो हो जाएगा नॉन कोलिनियर पॉइंट्स. अभी हम लोग थोड़ा सा एंगल्स के बारे में समझते हैं. एंगल में पहले हम लोग आते हैं अकॉर्डिंग टू जो पहला है फॉर्म एंड कि एंगल होता क्या है. सो एन एंगल इज फॉर्म व्हेन टू रेज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द सेम इंड पॉइंट. इसका मतलब है कि अगर टू रेज है, यहाँ रेज दिया हुआ है, इसका मतलब ये है कि इसका फिक्स पॉइंट नहीं, क्योंकि ये एरो मार्क शो कर रहा है कि इसका लेंथ हम एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन इसका वन इंडेड फिक्स है. इसी तरह से सेकेंड जो रेज है इसका वन इंडेड फिक्स है. अगर ये दोनों जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है तो इनके बीच का जो ये फॉर्मेशन एरिया फॉर्म हो रहा है, इसे ही हम लोग एंगल कहते हैं. द रे मेकिंग द एंगल आर कॉल्ड आर्म्स ऑफ द एंगल एंड द इन पॉइंट इज कॉल्ड वर्टेक्स. और ये रे जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, ये फर्स्ट रे है और ये सेकेंड रे है, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, इस पॉइंट्स को वर्टेक्स ऑफ एंगल कहते हैं. इस एंगल का अगर वर्टेक्स है तो वर्टेक्स आपका ये. अब आते हैं टाइप्स ऑफ एंगल. पहला आता है एक्यूट एंगल. एक्यूट एंगल का मतलब होता है कि वो एंगल जो 0 से 90 के बीच में सारे एंगल होंगे, एक्यूट एंगल होंगे. नेक्स्ट है, अगर कोई ऐसा है एंगल जो एग्जैक्ट 90 डिग्री, टू रेज ऐसा है जिसका वर्टेक्स पे जो एंगल बन रहा है वो एग्जैक्ट 90 डिग्री का है, तो उसे हम लोग 90 डिग्री का एंगल कहते हैं. एंड थर्ड कंडीशन में है कि अगर एंगल जो फॉर्म हो रहा है टू रेज के वर्टेक्स पे वो ग्रेटर देन 90 डिग्री है बट लेस देन 180 डिग्री है. 90 से ग्रेटर है बट 180 से स्मॉलर है, तो इस केस में ये जो एंगल होगा इसको ऑब्ट्यूस एंगल कहेंगे. नेक्स्ट कंडीशंस में, एन एंगल विच इज एग्जैक्टली इक्वल टू 180 डिग्री, ये आपका एक स्ट्रेट रेज है जो बोथ साइड पे एक्सटेंडेड पोजीशन पे है, फिक्स लेंथ नहीं, इसलिए इसको एरो से शो किया गया है. और इस पोजीशन पे ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है, इस एंगल को, अगर ये एंगल 180 डिग्री का होता है तो इस केस में इस एंगल को स्ट्रेट एंगल कहते हैं. नेक्स्ट है एक्यूट एन एंगल विच इज ग्रेटर देन 180 बट लेस देन 360 इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल. अब हमारे पास एक रेज यहाँ पर है और एक रेज यहाँ पर है, बट इसका जो एंगल मेजरमेंट कर रहे हैं तो ये एंगल जो है वो 180 से ग्रेटर है, तो इस केस में जो जेड जो एंगल होगा, इस एंगल को हम लोग कहेंगे रिफ्लेक्स एंगल. जेड एंगल 360 से स्मॉलर होगा और 180 से आपका ग्रेटर होगा, तो इसको हम लोग कहेंगे रिफ्लेक्स एंगल. नेक्स्ट पॉइंट्स में आते हैं. एन एंगल विच इज एग्जैक्टली इक्वल टू 360, अगर कोई ऐसा एंगल है जो एग्जैक्टली 360 के इक्वल है, इस टाइप के एंगल को हम लोग कहते हैं कंप्लीट एंगल. किसी भी पॉइंट को अगर हमने शो करके पूछा यस इस पॉइंट पे कितने एंगल बन रहे हैं, कितने डिग्री एंगल बन रहे हैं, तो टोटल वन सर्किल एंगल बन रहा है, दैट मीन्स के 360 एंगल बन रहे हैं, और इस टाइप के एंगल को हम लोग कंप्लीट एंगल कहते हैं. If the sum of two angles is 90, अगर दो एंगल का सम 90 हो जाता है तो इस केस में
हम उसे कंप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं, और अगर दो एंगल का सम 180 डिग्री हो जाता है तो इस केस में हम उन्हें सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। अगेन रिपीट करेंगे इसको, इफ द सम ऑफ टू एंगल्स, अगर दो एंगल का सम 90 होता है तो उस केस में हम इसे कंप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं, और अगर दो एंगल का सम 180 हो जाता है तो इस केस में हम इसे सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। नेक्स्ट आता है पेयर ऑफ एंगल्स, दो एंगल एक पेयर में है जैसा हमने बताया था आपको एडजेसेंट एंगल। तो पहला आता है एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल क्या होता है, सपोज आपने एक एंगल पहले फॉर्म कर लिया है वर्टेक्स ओ पे ए ओ सी, और इसमें आपने एक रे ड्रॉ कर लिया है ओ बी। सो ओ बी ने इस ए ओ सी को दो पार्ट में डिवाइड कर लिया है, और इस तरह से ये दोनों एंगल के बीच का जो रिलेशन होगा वो होगा एडजेसेंट एंगल। सो टू एंगल्स आर सेट टू बी एडजेसेंट इफ दे हैव अ सेम वर्टेक्स, इन दोनों का वर्टेक्स आपका ओ है, दे हैव अ कॉमन आर्म्स, इन दोनों एंगल्स का एक कॉमन आर्म्स है वो ओ बी है, देयर नॉन कॉमन आर्म्स आर ऑन आइदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म्स, और इनके बाद जो नॉन कॉमन आर्म्स जो है जैसे ओ ए है और ओ सी है वो इनके दूसरे साइड में है, ये इस साइड में और ये इस साइड में है। तो इस तरह से आपका ए ओ बी और सी ओ बी दो एडजेसेंट एंगल फॉर्म हो रहे हैं। ओके नेक्स्ट आते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, टू एडजेसेंट एंगल आर सेट टू फॉर्म अ लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स इफ देयर नॉन कॉमन आर्म्स आर टू ऑपोजिट रेज। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, तो यहाँ पर लीनियर पेयर इसलिए कहा गया है क्योंकि बी ओ ए एक 180 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है, और इस पे अगर हमने ओ सी रेज ले लिया है तो इस तरह से इन दोनों एंगल का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। तो इस तरह से ये जो एंगल फॉर्म हो रहे हैं इसे हम लोग कहते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। सो इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री देन नॉन कॉमन आर्म्स ऑफ एंगल फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन। अगर दो एंगल का सम आपका 180 डिग्री होता है तो ओ बी और ओ ए ये दो आर्म्स हैं जो आपस में कॉमन नहीं है, तो इनके बीच का जो एंगल बनेगा वो 180 डिग्री का एंगल बनेगा। नेक्स्ट है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो इस केस में क्या है, अगर टू रेज आपस में इंटरसेक्ट करती है तो इस केस में जो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स के बीच का जो रिलेशन होता है वो इक्वल होता है, ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा और ये एंगल इन दोनों के इक्वल होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने एक चैप्टर 6 का जो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट था जो इस चैप्टर में यूज़ होने वाले हैं उन चीज़ों को समझा, और कुछ और भी इससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज हैं और इसके कॉन्सेप्ट हैं जो इसके एक्सरसाइज में ईच एंड एवरी क्वेश्चन में समझेंगे। सो नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.1। थैंक यू।